Sir, with your permission, I rise to present the 48th report of the Business Advisory Committee. Shri Jasveer Singh Gilji, 4 minutes, 4 minutes, sir, please. Dhanyavaad. Ji. Sir, dhanyavaad. Aapne mere ko Rashtrapati ji ke abhibhashan par dhanyavaad ke prastav pe bolne ka mauka diya. Sabse pehle, main sab desh ko भव्य राम मंदिर की बधाई देना चाहता हूं और ये भी गुजारिश करना चाहता हूं कि राम जी के दर्शन आपके तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक आप सीता मैया जी के, भगवान वाल्मीकि जी के और लव कुश जी के जन्म स्थान राम तीर्थ अमृतसर नहीं जाएंगे। जितना भव्य मंदिर बनाया है वाराणसी में, वैसा ही भव्य मंदिर हमें भी राम तीर्थ पे बना दीजिए, उसकी तरक्की करवा दीजिए। ये एक बहुत बड़ा जो है ये एक पुण्य का काम होगा। सर, मैं कल जब राष्ट्रपति जी का भाषण सुन रहा था, उनका कहना था गरीब कल्याण देश का कल्याण, पर सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी महंगाई है जो लोगों को मार रही है। आज किसान हो, मजदूर हो, खुदकुशी पे उतर आए हैं, मगर सर उनको ये महंगाई का जो भार है उनसे कैसे उतारा जाएगा, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। सर सर उन्होंने कहा कि पुअर वेमेन यूथ आर द प्रायोरिटी, मगर आज 8% हमारी बेरोजगारी दर है, इसको दूर कैसे किया जाएगा। सर आज मैं देखता हूं देश में बिग टिकट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कोई बड़ी सेमीकंडक्टर कंप्लेक्स आ रहे हैं, आज बड़े बड़े सबमिट हो रहे हैं सर, मगर जब पंजाब की तरफ देखता हूं तो मुझे वहां पे सूखा लगता है। ये देश के जो रिसोर्सेस हैं, देश की का जो खजाना है, ये सभी देशवासियों का है। कृपा करके पंजाब की तरफ देखिए और हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे जरूर दीजिए। सर रेलवे पे बहुत बढ़िया 40,000 कोच को आपने उसे अपग्रेड करने की बात कही। आज मैं देख रहा हूँ देश में बुलेट ट्रेन बन रही है अहमदाबाद से मुंबई के लिए, बहुत खुशी होती है जब देश तरक्की करता है। पर सर हमारे पंजाब के दो छोटे छोटे मिसिंग लिंक्स है, एक जो चंडीगढ़ को राजपुरा के साथ 18 किलोमीटर, एक पट्टी से जो फिरोजपुर है जिसका सर्वे भी हो चुका, सब कुछ हो चुका है। सर सर वो कृपा करके हमारा ये कल्याण करा दीजिए। सर सर एविएशन सेक्टर पे आज 1,000 जहाजों का ऑर्डर दे रही है हमारी जो है एयरलाइन कंपनियां, मगर सर हमारे यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, T1, T2, T3, T4 हमारे IGI एयरपोर्ट पे बन रहे हैं, दिल्ली के इतना विकास हो रहा है, पर सर अमृतसर के साथ क्या बैर है सर, उससे आँखों के दूर क्यों किया जा रहा है। सर हमारे जो तुर्कमेनिस्तान एयरलाइंस, उज्बेकिस्तान एयरलाइन, ऐसी एयरलाइन थी जो कोविड के पहले चलती थी, कृपा करके उन्हें चलाया जाए। कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए हमें जो है ये डायरेक्ट फ्लाइट्स दी जाए। सर सर मैं PM साहब का विजन देखता हूँ विकसित भारत का, कितनी बड़ी बात है। सर आज मिडल एशिया कॉरिडोर बन रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर और जो व्यापार के लिए कॉरिडोर बन रहा है। सर हमारा अकेला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ 10,000 करोड़ का व्यापार होता था सर, ये आज देश की बंदरगाहों से हो रहा, जहाँ तो वहाँ से भी बंद कर दीजिए, नहीं तो वाघा और खालड़ा बॉर्डर खोलिए, वहाँ से व्यापार करें, हमारी इकोनॉमी को जो है वो थोड़ा फ्लिप मिलेगा। बड़ी बहुत बड़ी बात कही सर आपने, स्पिरिचुअल टूरिज्म की बड़ी बहुत बड़ी बात कही, मेरे को भी सर खुशी हुई। आज देश में सबसे, दुनिया में जो सबसे दस जो लोग वहाँ जाते हैं, अमृतसर गोल्डन टेम्पल है, वहीं पे दुर्गियाना मंदिर है, वहीं पे माता सीता जी, लव कुश बाल्मीकि जी का राम तीर्थ है।
सर कृपा करके उस शहर के तरक्की के लिए दीजिए, हमें बहुत वहाँ ज़रूरत है, थीम पार्क की ज़रूरत है। धन्यवाद सर। मेरा सिर्फ एक और रह गया सर, मेडिकल कॉलेज, बहुत मेडिकल कॉलेज सर आपने खोले, मैंने भी बहुत खुशी के साथ लड्डू बांटे थे जब मेरे क्षेत्र में कपूरथला में प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया था। सर उस पे काम शुरू करवा दीजिए, हमने जमीन दे दी है सर। एक सर और छोटा सा रह गया सर, मौलाना आज़ाद फेलोशिप सर, जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को दी जाती है सर, उसको 2023 में बंद कर दिया गया, मगर उसमें ये कहा गया कि जो स्टूडेंट्स हैं जब तक इनकी फेलोशिप कंप्लीट नहीं होती इनको कंटिन्यू किया जाएगा। उनकी 6 महीने से उनकी फेलोशिप नहीं आ रही, उसको यूजीसी जेआरएफ के साथ कनेक्ट करके कृपा करके सर आप उसको ऐलान कीजिए। अगर इसके में आप दूसरी मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है उनके लोगों को भी शामिल कीजिए, ये सभी को दीजिए सर। सर मिलेट्स हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत फेवरेट है, उन्होंने बहुत काम किया है, उन्होंने 2023 को मिलेट्स ईयर भी डिक्लेयर किया है सर। पंजाब में इसकी सबसे ज्यादा जो है ये उगाया जा सकता है, 11 लाख हेक्टेयर की कैपेसिटी है सर पंजाब, यहाँ मार्केटिंग और एमएसपी और टेक्नोलॉजी दीजिए। हम मिलेट्स जैसे हमने धान के और कनक के गोदाम भरे, हम मिलेट्स के भी गोदाम भरेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय पंजाब। श्री अरविंद शर्मा जी कृपया संक्षिप्त में रहें। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के अभिभाषण एवं धन्यवाद प्रस्ताव पर खड़ा हुआ हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और समर्थन व्यक्त करता हूँ। आज़ाद